Hey friends, welcome to Khema's vlog. Hope so all are good. So आज की सुबह हो गई है और आज है मेरा बर्थडे. तो आज के दिन, बर्थडे वाले दिन, मेरा कोई सेलिब्रेशन का प्लान नहीं था, लेकिन अब सुनील ने शुरुआत कर ही दी है. रात से, रात को उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया जो कि मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. सीरियसली बहुत खुश हूँ मैं. और अब मन इसलिए नहीं था बिकॉज फैमिली से दूर हूँ मैं यहाँ अमृतसर में, तो इसीलिए कुछ खास मन नहीं था. बट मुझे याद दिलाया गया कि हमने शादी के बाद एक चीज़ डिसाइड की थी, वो ये कि इस तरह के स्पेशल डेज पे ना हम एक स्पेशल क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करेंगे. तो जो मुझे सुहू के बर्थडे पे भी करना था, मैंने काफ़ी हद तक मैंने प्लान कर लिया था. बट उस दिन ऐसी कुछ सिचुएशंस हो गई कि हम नहीं सेलिब्रेट कर पाए, और आज फिर से हमारे लिए एक स्पेशल डे आया है. उनके लिए ज़्यादातर, मतलब मैं स्पेशल डे इतना भी नहीं समझती, बट उनको ऐसा लगता है. उन्होंने मुझे कहा कि स्पेशल डे है तो इसीलिए हम इसे ज़रूर इंजॉय करेंगे. तो आज शाम को हम जा रहे हैं डिनर डेट पे, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया. वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं अभी नहीं बताने वाली, बिकॉज अगर मैंने अभी बता दिया तो आप व्लॉग शायद पूरा ना देखें. इसलिए थोड़ा सस्पेंस तो बनता ही है ना, वेट करना तो बनता ही है. सो इसके लिए पूरा व्लॉग देखें. और हाँ, आज मेरे बर्थडे वाले दिन ना आप सब मुझे एक गिफ्ट दोगे, वो ये कि मेरे चैनल को शेयर करें, अनसब्सक्राइब करें. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़. मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दे दो मेरे बर्थडे के लिए, एंड व्लॉग पूरा देखते रहिए. सो फ्रेंड्स, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड अब हम जा रहे हैं बाहर. नेल्स को छोड़ के बाकी पूरी तैयारी डन है. इनको मैं हमेशा इग्नोर कर देती हूँ. सो फ्रेंड्स, सुबह जो मैं प्रॉब्लम बता रही थी वो ये थी कि प्लान कोई नहीं था हमारा बाहर जाने का, ऐसा कुछ सोचा नहीं था. बट एट अ टाइम अगर कोई प्लान बनता है तो उसके लिए मैंने क्या किया था, एक ड्रेस मंगवाई थी, देन एक सैंडल. लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट का एड्रेस जो है वो मेरे फ़ोन में सेव रहता है. तो मैंने क्या किया, जब वो ऑर्डर करा तो वो ऑर्डर जो है वो किसी और के क्लाइंट के एड्रेस पे बुक हो गया, और जिस वजह से कल दोनों के दोनों कुरियर उस एड्रेस पे चले गए. ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी, टेंशन हो रही थी थोड़ी ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि पहले ही कर दी थी मैंने, लेकिन मैंने उनको फ़ोन किया और पेमेंट का कोई चक्कर नहीं है, वो मुझे लौटा देंगे वापस, सॉरी कुरियर जो है वो रिटर्न हो जाएंगे. लेकिन स्पेशल डे पे मैंने वो जो ड्रेस मंगवाई थी वो तो पहुंच नहीं पाई. थोड़ा लिटिल बिट उसकी वजह से मूड ऑफ था, पुराने कपड़ों से ही काम चलाना पड़ेगा. तो बट कोई नहीं, क्योंकि जिसके साथ मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करना है सबसे बड़ी खुशी वो मेरे साथ है, सुनील. तो बस फिर इसीलिए ये मुस्कान है चेहरे पे. सो गाइस, अब निकल रहे हैं हम ये आने पीछे एक रणजीत एवेन्यू की तरफ. रणजीत एवेन्यू है ना, हाँ रणजीत एवेन्यू में जा रहे हैं. रणजीत एवेन्यू जगह का नाम है, रेस्टोरेंट का मुझे खुद नहीं पता बिकॉज सुनील ने ही बुक कराया. तो देखते हैं. चुके हैं सुनील. कहाँ पहुँचे हैं? फिरंगी ढाबा. ये हिमाचल नूरपुर में भी है ना, एक बार हम वहाँ पे गए थे और अब हम यहाँ पे आए, बिकॉज वहाँ पे तो फूड बहुत ही मस्त था और अब यहाँ का देखते हैं. Thank you.
ख़त्म और हम सोच रहे हैं कि इतना हैवी खाने के बाद थोड़ी वॉक हो जाए, तो हम रोड पे ही वॉक कर रहे हैं और साथ में बहुत अच्छा फील हो रहा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा। थैंक यू सुनील फॉर मेकिंग माय डे स्पेशल। सुनील मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम हैं इस टाइम रंजीत एवेन्यू के एरिया में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ अमृतसर का ये रंजीत एवेन्यू वी ब्लॉग। यहाँ पे सारा खाने पीने का बहुत अच्छा, एक से बढ़िया एक रेस्टोरेंट इसी लाइन में जो है, आगे बहुत दूर आगे लंबी लाइन है ये, तो आपको मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं मिस हरप्रीत कौर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे कुरियर उनके एड्रेस पे चले गए थे, जिनकी पेमेंट एडवांस में मैंने कर दी थी, लेकिन वापस से उन्होंने कुरियर जो है वो रिटर्न कर दिए और पेमेंट मेरे अकाउंट में आ चुकी है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इस तरह के लोग जो है वो बहुत कम होते हैं, बिकॉज लालच भी आ सकता था, पेमेंट हो चुकी थी, आप रख भी सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया। सो इस ईमानदारी के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हो, तो इस व्लॉग में मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी आपका, मिस हरप्रीत कौर जी, थैंक यू।